हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलते हैं कुछ न्यू टिप्स और ट्रिक्स के साथ, जिससे डेली के काम हमारे हो जाएंगे आसान, घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप है लेगिंग को लेके। कई बार क्या होता है कि हम बाज़ार से ऐसी लेगी लेके आ जाते हैं जिसमें जेब नहीं होती। किसी किसी में होती है और किसी किसी में नहीं भी होती है, और हमें बाहर जाना पड़ता है, कीमती सामान का डर रहता है कि ये चोरी ना हो जाए। तो क्या करेंगे जिस लेगी में जेब नहीं है? तो उसका एक टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम बिना जेब की लेगी में सामान को अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि बैग में या सूटकेस वगैरह में रखेंगे तो रिस्क भी रहता है कई बार चोरी होने का। तो ये मैंने लिया हुआ है पुराना सॉक्स। अब इसका कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं। तो ये मेरे पास है ज्वेलरी, तो ज्वेलरी है या पैसे हैं या फ़ोन है, तो इस तरीके से सॉक्स में हम इसको रख देंगे। और एक लेंगे बड़ी पिन, बड़ी लेना है, छोटी पिन का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छे से अटैच होना चाहिए सॉक्स को, और लेगिस को हम अच्छे से पिनअप करेंगे ना तभी ये सेफ रहेगी, नहीं तो कई बार खुल भी जा सकती है। इसीलिए इसको हम अच्छे से इसमें अटैच कर देंगे। और फिर देखिए आप कहीं भी जाइए तो जो सामान है ना सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और बिल्कुल भी चोरी होने वाला नहीं, और बिल्कुल भी नहीं खुलेगा ये जब तक आप पिन को नहीं खोलेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया कमाल का आइडिया है फ्रेंड। इस तरीके से आप कहीं भी जा सकते हैं, आपका सामान बिल्कुल भी चोरी नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया पसंद आया होगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेके। सभी लेडीजों को सबसे ज़्यादा शौक होता है कहीं भी बाहर जाके तैयार होने का। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम पहनते हैं अलग अलग टाइप से, और कई बार तो ऐसा होता है कि बाज़ार से लेके आते हैं और उसको रख देते हैं और ध्यान नहीं जाता, और रखे रखे वो काली हो जाती है। तो इनका सही तरीके से कैसे रखें आज मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर कर रही हूँ। ये डिब्बा लिया है प्लास्टिक का, जिसमें मिठाई वगैरह आती है ना हमारे घर में, सोन पपड़ी वगैरह तो इसमें अक्सर आती ही है। तो बस इसका एक बहुत बढ़िया यूज मैं आपको बता रही हूँ। इसमें रख देंगे कॉटन को, और जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना उसको इसमें रख देंगे हम। बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है, ना ही इसकी शाइनिंग जाएगी और ना ही ये काली पड़ेंगी। इसके ऊपर से और कॉटन हम लगा देंगे, एक और कॉटन लगाएंगे ना, इसको अच्छे से कवर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से सालों साल आपकी ज्वेलरी बिल्कुल सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है, उसकी शाइनिंग नहीं जाएगी, ना ही वो काली होगी। आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी अच्छा लगा हो। इस तरीके से आप जो छोटे छोटे से डिब्बों का भी यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स है मेरी ब्लाउज को लेके। तो कई बार क्या होता है कि साड़ी पहनते टाइम जब हम उनको पिनअप करते हैं ना, ब्लाउज में अटैच करके पिन लगाते हैं, तो पिन निकलता नहीं है ब्लाउज में से, और खींच के निकालते हैं तो ये देखिए इसमें कितने बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, और सारा ब्लाउज हमारा ख़राब हो जाता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। और किस तरीके से इसको हम सही तरीके से लगाएं वो आज मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। बस कुछ नहीं करना, हमें पिन में एक मोती डाल देंगे। ये मेरे पास गोल्डन मोती रखा हुआ था, किसी भी कलर का मोती आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो देखेगा तो नहीं, अंदर साइड ही हम इसको लगाएंगे ना, तो किसी भी कलर का मोती चल सकता है इसमें। और बस इस तरीके से आप पिन को लगा दीजिए इसमें, तो क्या होगा ना कि पिन ब्लाउज में बिल्कुल भी नहीं फंसेगा, अंदर साइड जो चला जाता है ना वो बिल्कुल भी नहीं घूमेगा, पिन घूमेगा ही नहीं, आसानी से ये निकल जाएगा। आई होप आपको मेरा छोटा सा तरीका भी पसंद आया होगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो ठंड के मौसम में बहुत बढ़िया बढ़िया सब्जी मार्केट में आती हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सब्जियाँ स्टोर करके रख लें, बहुत सारी सब्जी मटर है या भाजी वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती हैं। भाजी को साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, खासकर जो वर्किंग लेडीज होती है ना उनके लिए तो एक बहुत बड़ा हेडेक होता है कि कैसे जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा लें। और बस इस तरीके से ना मैं आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया शेयर कर रही हूँ, कैसे चुटकियों में बहुत सारी भाजी कैसे साफ़ कर सकते हो, कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए जो भाजी थी ना उसके पीछे का सारा डंठल हमने नाइफ से काट के अलग कर दिया है। अब बस ये भाजी साफ़ हो गई, अब चलिए इसको काटते हैं। तो नाइफ से इसको काट देंगे, इसमें मैंने एक रबर बैंड भी लगा दी जिससे जो भाजी है ना यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी, और हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस तरीके से ना आप किलो किलो भाजी साफ़ करके रख सकते हैं। ये देखिए कितनी बारीक भाजी हमारी कट रही है। बस कुछ नहीं करना, जितनी भी भाजी को हम साफ़ करेंगे ना उसके पीछे के डंठल को बस हमें अलग कर देना है काट के, और बस उसमें रबड़ फंसा के भाजी को साफ़ कर लेना। ये देखिए कितनी बारीक भाजी कट गई। अब इसको कैसे लंबे समय तक स्टोर करके रखना है चलिए वो भी हम तरीका देख लेते हैं। तो फ्रेंड कई बार क्या होता है कि हाउस वाइफ तो जल्दी जल्दी ये काम निपटा लेती है, लेकिन जो वर्किंग वूमेन होती है ना उनको एक एक समय कीमती होता है, एक एक मिनट कीमती होता है कि कैसे अपने घर का काम जल्दी से निपटा लें। तो ये मेरे पास है एक प्लास्टिक का डिब्बा, बिल्कुल नॉर्मल डिब्बा, हर घर में ये डिब्बा होता ही है। तो बस इस तरीके से इसमें स्टोर करके
भाजी को आप रख लीजिए, और ये लंबे समय तक स्टोर रहेगी, लगभग 15 दिन तो ये आराम से ख़राब होने वाली नहीं है। इस तरीके से आप स्टोर करके रख लेंगे ना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। रात में ही इन सारी चीज़ों को आप कर लीजिए, सवेरे आप किचन में जो काम करेंगे ना वो सारा काम झटपट हो जाएगा। मैं हमेशा इसी तरीके से अपनी भाजी को स्टोर करके रखती हूँ फ्रेंड, मुझे बहुत आसानी होती है और मेरा सारा काम आसान हो जाता है। आई होप आपको मेरा छोटा सा तरीका भी पसंद आएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो ये है मेरे पास मटर। मटर को छीलने में बहुत समय लगता है हमें, कई बार तो इसको छीलने में हमारे उंगलियों में भी दर्द होने लगता है। तो मटर को ना कैसे जल्दी छीलें, वो दो तरीके आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, घुमा देंगे तो मटर आसानी से छिल जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा नीचे के पार्ट को बस हमें घुमाना है। और इसका सेकेंड तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो बहुत बढ़िया तरीका है फ्रेंड। इससे आप किलो किलो मटर चुटकियों में छील लेंगे और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बस मैंने क्या किया है ना कि एक कड़ाही में पानी को अच्छा गर्म कर लिया है। हमें मटर को उबालना नहीं है, जस्ट इसका जो छिलका होता है ना उसको बस सॉफ्ट करना है हमें। तो बस पानी को अच्छे से उबाल लिया और गैस को हमने कर दिया है बंद, क्योंकि मटर हम बिल्कुल भी नहीं उबालेंगे, पकाना थोड़ी है हमें मटर को। तो बस इस तरीके से हम ढक के रख देंगे, उसको 2 मिनट बाद चेक करेंगे ना तो इसका जो छिलका होगा ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा छिलका, क्योंकि गर्म पानी जो होता है ना उससे इसकी जो छिलके वगैरह होते हैं मटर के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और छीलने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। इसको किस तरीके से छीलना है चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ। सारा मटर मैंने कड़ाही में से निकाल दिया। इस तरीके से आप ना फ्रेंड किलो किलो मटर चुटकियों में छील लेंगे और आपके हाथों में दर्द नहीं होगा। और इसको स्टोर कैसे करना है वो तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, सारी मटर मैंने कड़ाही में से निकाल ली है। अब ये देखिए कैसे छीलना है, बस इसके पीछे के हिस्से को बस थोड़ा सा प्रेस करेंगे, सारी मटर के दाने आप से आप निकल जाएंगे। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको बिल्कुल भी नहीं छीला। ये देखिए, इस तरीके से बस पीछे इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे हम, सारी मटर आप से आप निकल जाएगी, क्योंकि इसका जो छिलका है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और ये मटर जो है ना ये बिल्कुल भी पकी हुई मटर नहीं है, जस्ट इसका सिर्फ छिलका जो है ना बस वो ही सॉफ्ट हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से सारी मटर हमारी छिल जाएगी, इसके दाने पूरे बाहर निकल आएंगे और हमारे हाथों में भी दर्द नहीं होगा। ये देखिए, इस तरीके से कितना कमाल का आइडिया है फ्रेंड। इस तरीके से ना आप किलो किलो मटर मिनटों में छील लेंगे। तो ये देखिए, इसको स्टोर कैसे करना है चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ। ये लिया है मैंने एक कॉटन का कपड़ा। सारी मटर को हम अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर है ना वो दूर हो जाना चाहिए। सूखी मटर को ही हम स्टोर करके रखेंगे, गीली को नहीं करेंगे। ये देखिए, कपड़ा भी थोड़ा सा गीला हो गया है। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, तो वो भी कमाल का आइडिया है फ्रेंड। बस एक पेपर नैपकिन लेंगे और प्लास्टिक का डिब्बा में इसको इस तरीके से हम रख लेंगे और बस इसको फ्रीजर में रख लेंगे। फ्रिज में नहीं रखना, मैं फ्रीजर में रखना है, तो ये सालों साल ऐसी ही बनी रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से जितनी भी किलो किलो मटर है ना आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रेंड। मैं हमेशा इसी टिप्स को फॉलो करती हूँ, मेरी मटर कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा फ्रेंड। इतनी सारी टिप्स मैंने आपके साथ आज शेयर की हुई हैं, इनमें सबसे अच्छा आइडिया आपको कौन सा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।